welcome everyone today we are going to continue our chapter 3rd the midnight visitor written by robert orther we have read about the chapter that osibel is a secret agent a writer named fowler comes to him he wants to learn about the life of a secret agent or secret agent who is there in the chapter osibel osibel takes fowler to his होटेल रूम एक्चुअली फाउलर वॉज फीलिंग बोर्ड ओके वो कैसा फील कर रहा था बोर्ड कर रहा था बिकॉज वेन ओसिबल टेक्स फाउलर टू इज होटल रूम इट इज अ रूम ऑन द टॉप फ्लोर एंड ओसिबल टेल्स फाउलर दैट ही इज गोइंग टू रिसीव अ वेरी इम्पोर्टेंट पेपर ही सेज़ दैट मैनी मैन हैव रिस्कड देयर लाइव फॉर दैट पेपर बोथ ऑफ दैम दे स्टेप्टुवर्ड्स द होटेल रूम एंड वट हैप्पन देयर दे सी अ मैन स्टैंडिंग देयर पहले से ही एक आदमी वहां पर खड़ा था पर्सन खड़ा था एंड हु इज दैट पर्सन ही इज मैक्स ओके मैक्स एज आई डिस्क्राइब यूअर लेयर ही इज द अनादर सीक्रेट एजेंट ही हैज अ स्मॉल पिस्टल इन हीज हैंड And he tells Osibel that he will have to give him the paper, or he will shoot him. Okay, what happens next? Look at here. Osibel ne jaise hi room mein enter kiya. Okay, he looked Max already standing there in having a pistol in his hand. एंड सडनली ऑसिबल आस्कड मैक्स दैट आई थोट यू वर इन बर्लिन वो सोच रहा था ऑसिबल उसको मैक्स के बारे में कि मैथ्स कहाँ पर है ही वॉज इन बर्लिन एंड देन ही आस्क वट आर यू डूइंग हीयर इन माई रूम मैक्स प्लीज रिप्लाई मैथ्स फिजिकल अपियरेंस इज डिस्क्राइब्ड हेयर इन दिस टेंजा मैक्स वॉज वेरी स्लैंडर स्लेंडर मीन्स लीन एंड थिन ओके बहुत दुबला पतला सा था ये एंड अ लिटल लेस देन टॉल फीचर्स दैर सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटनेंस ऑफ अ फोक्स मैक्स के फीचर्स फिजिकल अपीयरेंस जैसे ऑसेबल का फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब किया गया था ही वॉज प्लम्ब ही वॉज फैट ओके ही डिड नॉट हैव द फीचर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीक्रेट एजेंट ऑफिस पाए ऑसिबल में वैसा कोई भी फिजिकल अपियरेंस उसका नहीं मैच करता था सीक्रेट एजेंट से अब यहाँ पर बात हो रही है मैक्स की जो अनदर सीक्रेट एजेंट है ही वॉज वेरी स्लैंडर ओके ही वॉज लीन एंड अ लिटल लेस देन टोल विद फीचर्स और कैसे फीचर्स थे सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी क्राफ्टी मीन्स कनिंगली ओके जैसे चलाक पर्सन लगते हैं एंड सम हाउ द फीचर्स आर क्वाइट सिमिलर टू अ फोक्स फोक्स कैसा होता है कनिंग एंड ओके क्राफ्टी देयर वॉज अबाउट हिम अब यही सारी बातें किसके बारे में बताई गई हैं मैक्स के बारे में असाइड फ्रॉम द गन नथिंग एस्पेशली मिनेकिंग ऐसा कोई भी और चीज़ नहीं था मिनेकिंग मीन्स डेंजरस ओके सिर्फ एक पिस्टल ही उसके फेस पर ऐसा पिस्टल ही उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जिससे थोड़ा सा डर कह सकते हैं हम ओके अबा एंड एक्सेप्ट द गन नथिंग सीम्ड मेनेकिंग कोई भी और चीज उसमें डेंजरस नहीं लग रही थी एंड सडनली ही मर्मर्ड ओके वट ही एक्सप्लेन ही कंप्लेन इन अ लो साउंड एंड ही सेड द रिपोर्ट किसने डिमांड किया रिपोर्ट के बारे में मैक्स ने द रिमोट दैट इज द रिपोर्ट दैट इज बींग ब्रोड टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स कहते हैं कि वही रिपोर्ट जो आपके पास अभी आने वाली है और कौन और किस से रिलेटेड है वो दैट कंसर्नड अबाउट सम न्यू मिसाइल्स ई थोट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू मैक्स कह रहा है कि मैं यहाँ पर यह क्या करूंगा मैंने सोचा कि मैं वो रिपोर्ट तुमसे ले आता हूँ इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स इन योर क्या कहता है कि वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में क्या होगी ज्यादा सेफ रहेगी मोसिबल मूव टू एन आर्म चेयर वो रिलैक्स रहा है देखो एक सीक्रेट एजेंट uh, है एक्सपाय है और फिजिकल अपेयरेंस उसके वैसे ही मैच नहीं करते फाउलर जो पहले वहां पर बिल्कुल बोर हो रहा था एंड ही वॉज हैविंग हिज फर्स्ट ओथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे अब एक ऐसा एडवेंचर उसको उस रूम में मिलने वाला था नाउ चेक इट आउट वट एडवेंचर वी आर टॉकिंग अबाउट ओसिबल मूव टू एन आर्म चेयर वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा है ही डिडेंट फील नर्वस दियर सो ही मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली आई एम गोइंग टू रेज द डैवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम उसने उस टॉपिक पर रिपोर्ट के टॉपिक पर बात ना करके वो किसी और टॉपिक के बारे में बात करा है But uh, look at here, what is the topic इज talking about? And I am going to raise the devil with the management this time. कह रहे हैं कि मैं इस बार मैनेजमेंट के साथ बहुत डेविली बिहेव करने वाला हूँ मीनस उनके साथ मैं अच्छा बिहेव नहीं करूँगा। एंड यू कैन बैट ऑन इट और तुम इस बात पर मुझसे बैट लगा सकते हो ही सेल्ड सेड ग्रीमली उसने काफ़ी सीरियसली होकर बोला दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रू दैट ऑफ अ बैल्कनी कह रहा है कि वो देखो जी न्यूसेल्स मीन्स ट्रबल समझो बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती है एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर कि मैक्स देखो कहाँ पर खड़ा है एक विंडो के पास तो यहाँ पर क्या बात चल रही है दिस इज द द टाइम कहता है दिस इज़ टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गोट इन टू माई रूम कि कोई मेरे रूम में एंटर करके आया है दो बार ऐसा हो चुका है थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बैल्कनी और इस बैल्कनी की वजह से मीस विंडो के बाहर वाला जो एरिया होता है जिस पर खड़े होकर या हम कोई भी बा खड़े हो सकते हैं तो वहां पर एक छोटा सा स्पेस बना होता है विंडो के बाहर तो कह रहा है कि थ्रू दैट बालकनी क्या हो रहा है कोई मेरे रूम में एंटर कर चुका है फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम ऑफ़ फाउलर क्योंकि उसको तो वैसे ही वो बोर फील कर रहा था उसकी डायरेक्ट आईज किसकी तरफ गई जो सिंगल विंडो थी रूम में उसकी तरफ इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो ये तो बिल्कुल नॉर्मल विंडो ब्लैकली मीन बाहर बिल्कुल ज्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही थी रोशनी नहीं थी बैल्कनी मैक्स मैक्स वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज और बैल्कनी के बारे में बात हो रही है जो विंडो के बाहर थी तो मैक्स भी कंफ्यूज हो गया बैल्कनी राइजिंग इन्फ्लेक्शन ओके okay, और वो एक इन्फ्लेक्शन मीन्स एक ऐसा मोड मीन्स उसकी टंग में टोन में बिल्कुल चेंज आ गया और वो कैसा चेंज लाकर कह रहा है कहता है नो आ पास की वो कह रहा है कि नो आई डिडेंट यूज दैट बेल्कनी पॉसिबल किसके बारे में बात कर रहा था बेल्कनी के बारे में कि वो कहाँ से एंटर करके आया है बैल्कनी में और ऐसा कब हुआ कितनी बार हो चुका है मीन्स सेकेंड टाइम इट इज गोइंग टू हैपन सो अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन वो जोर से और बोलता है और प्रेस करके बोलता और क्या कहता है नो अ पास की मीन्स आई डिडेंट नो अबाउट द बेल्कनी मैं इस बैल्कनी के बारे में नहीं जानता एंड आई डिडेंट यूज इट, मैंने इसे यूज भी नहीं किया विद अ प्राइवेट की विद अ पास की मीन्स मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा की थी तो मैं उसी एक्स्ट्रा की के यूज करके डोर से आया हूँ इट माइट हैड आई नोट और कह रहा है कि शायद ये भी पॉसिबल है इट माइट हैव सेव्ड मी ट्रबल इट्स नॉट माय बैल्कनी अब ऑसिबल स्ट्रेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. और ज़्यादा गुस्से से वो एक यहाँ हम सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और मैक्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है दैट मैक्स एंटर्ड थ्रू दिस बैल्कनी और मैक्स ऑसिबल सेट विद एक्सट्रीम इरिटेशन. और क्या बोलता है इट्स नॉट माई बैल्कनी कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है ंगस टू दैक्स्ट अपार्टमेंट जो मेरे रूम के पास नेक्स्ट अपार्टमेंट है ये बैल्कनी वहां से आती है ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेन और वो ग्लैंस मीन्स उसकी तरफ देखना और कैसे ग्लैंस कर रहा है उसको मीन्स व्यूड उसको देखना और क्या कह रहा है कुछ रीजन्स उसको एक्सप्लेन करना और बोलना ड और वो एक्सप्लेन करके बताता है उसको दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट यूनिट एक्चुअली जो मेरा रूम है वो उस यूनिट का एक लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम और जो नेक्स्ट रूम है इस डोर के थ्रू जो निकलता है वो लिविंग रूम का पार्ट था इट हैड द बेल्कनी और उस लिविंग रूम की क्या थी एक बेल्कनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाव और वो बैल्कनी अब कहाँ आती है मेरी विंडो के नीचे भी आती है क्योंकि एक ही बड़ा रूम था इस बड़े रूम के दो पार्ट्स कर दिए गए तो वो बैल्कनी जो उस रूम के नीचे बनाई गई थी वो अब मेरे रूम के नीचे भी आती है यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्पटी रूम टू डोरस डाउन और कह रहा है वो रूम बिल्कुल एम्पटी है टू डोर्स डाउन तो वहाँ से कोई भी इस बैल्कनी पर आ जाता है एंड इट लास्ट मंथ ऑल्सो और किसी ने ऐसा लास्ट मंथ भी किया द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ और मैनेजमेंट ने मुझे किया था टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे पर वो नहीं कर पाए मैक्सड गर की तरफ उसने ग्लैंड किया उसकी तरफ देखा एंड नाउ मैक्सड गर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नोर फार फ्रोम पॉसिबल

जैसे कमांड देना ऑर्डर देना तो इस तरह से वो वेव कर रहा है प्लीज सिट डाउन ही सेड और उसने मुझे कहा प्लीज सिट डाउन ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक कह रहा है कि हमें हाफ एन आवर वेट वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई है थर्टी वन मिनट ऑसिविली क्योंकि उसका तो मूड अभी भी रिलैक्सफुली वो रिलैक्स बैठा है आराम से और चेयरफुली क्या बोलता है थर्टी वन मिनट्स वी विल टेक द अपॉइंटमेंट वॉज फोर ट्वेल्व थर्टी अपॉइंटमेंट कब की थी ट्वेल्व थर्टी की आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में किसने बताया एंड द लिटल स्पाई स्माइल्ड एविली ओके स्माइल एविली मीन्स इविल वर्ड होता है देखो बुराई ओके okay, तो लिटिल स्पाई वो कैसा स्माइल कर रहा है उसकी तरफ देखकर ईविली बिहेव कर रहा है एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन आई विल गेट इट बैक टू नाइट वट इज दैट ट द डोर और कह रहा है कि मुझे वो रिपोर्ट ऑब्वियस बात है कि मिल जाएगी एंड नो हार्मी डन एंड आई विल गेट इट बैक टू नाइट और मैं उस रिपोर्ट को आज ही ले आऊंगा वट इज दैट हु इज ऐट द डोर अब वो सडनली बीच में ये बेल्कनी की बात कर रहे थे बेल्कनी के बाद रिपोर्ट की कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और उसके बाद अचानक से वो पॉसिबल क्या कह रहा है हु इज एट द डोर फॉलोअ जंप एट दडन नॉकिंग एट द डोर और फाउलर अचानक से क्योंकि सडन नॉकिंग हुआ डोर पर ही जम्प एट द सडन नॉकिंग एट द डोर ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड ऑसिबल ही स्टार्टेड स्माइलिंग देयर और वो क्या स्माइल करके बोलता है दैट विल बी द पुलिस ही सेड और कंटिन्यू करता है अपनी कन्वर्सेशन को और बताता है दैट विल बी द पुलिस कि कौन होगी बाहर शायद पुलिस है एंड दैट्स वाई दे आर नॉकिंग आई थोट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पीपल एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और ही एडिड पॉसिबल ने क्या एड करते हुए बोला दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर वी आर गोइंग टू रिसीव टू डे ओके तो हम आज रात को क्या रिसीव करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पेपर रिसीव करने वाले हैं एंड दैट पेपर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो उसके लिए मुझे बाहर किसको बुलाना पड़ा पुलिस को आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट और मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर ही दिया था दैट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑल राइट और नॉट मैक्स बिट इज लिप नर्वसली मैक्स ने क्या किया मीन्स ही वॉज कन्फ्यूज नाउ ही वॉज नर्वस नाउ सो ही बिट इज लिप नर्वसली एंड द नोकिंग वॉज गेटिंग रिपीटेड नोकिंग बार बार तेज हो रही है वट विल यू डू नाउ मैक्स ऑसिबल आस्ट ऑसिबल ने पूछा मैक्स वट विल यू डू नाउ कि अब तुम क्या करोगे इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया ऑसिबल उसको कहता है देन द पुलिस विल एंटर एनी वे द डोर इज अनलॉक्ड ओके एंड डोर तो कैसा है अनलॉकड है एंड दे विल नॉट हैजिटेट टू शूट और जो पुलिस है तो वो हैजिटेट भी नहीं करेंगे शूट करने से ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू